गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ का अर्थशास्त्र विषय का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विकास अर्थात डेवलपमेंट। तो हम जानेंगे कि विकास है क्या। तो विकास वो चीज है जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है हम जानेंगे। तो विकास अर्थात प्रगति करना, पहले से बेहतर होना और या आगे बढ़ना। तो कैसे हम पहले से बेहतर होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए आपने जब स्कूल में एडमिशन लिया था, आप क्लास एक में थे, अभी आगे बढ़ते बढ़ते आप क्लास टेन तक पहुंच चुके हैं। टेन तक पहुंचने में आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए होंगे। आप पहले बोल चीत से स्कूल जब ज्वाइन किया, आप बोल नहीं पाते होंगे, अपना जो विचार है लोगों के सामने प्रकट नहीं कर पाते होंगे। अब आप क्लास टेंथ में आके अपने विचार को लोगों के सामने प्रकट कर पा रहे हैं, ये क्या दर्शाता है कि आपने विकास हुआ है। और एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि आप गांव में आपके पास एक झोपड़ी में रहते थे, अभी आपके पास सरकार ने आपको कुछ लोन मुहैया कराया, आप पक्के मकान में रह रहे हैं, ये क्या बता रहा है कि आपने विकास हुआ है। उसी प्रकार आप पहले स्कूल पैदल आते थे, अभी सरकार ने आपको साइकिल दिया, आप पैदल पैदल से साइकिल लाने लगे, यानी आप में विकास हो गया। तो विकास विभिन्न प्रक्रिया से हो सकता है, यानी आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना ही विकास है। तो हमने ये जाना कि विकास होता क्या है। अब हम देखेंगे कि विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों के लिए विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो अब हम जानते हैं, देखते हैं किन किन लोगों का विकास कैसा हो सकता है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए, जैसे कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। भूमिहीन कौन है, वैसे लोग जिनके पास खुद का जमीन नहीं है और वो ग्रामीण मजदूर है। तो ये लोग क्या चाहेंगे, इनके पास खुद का जमीन नहीं है तो सबसे पहले ये क्या चाहेंगे कि अब ये जो कमाते हैं ये दूसरों के खेत में काम करके कमाते हैं, ये चाहेंगे कि इनको हमेशा काम मिलता रहे, दूसरों के खेत में काम करने का मौका ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा कमा पाए, इनका जीवन बेहतर हो। और क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि जो इनके बच्चे हैं वो उनको उनके ही गांव में पढ़ने को अच्छा मिल जाए, उनका रहन सहन थोड़ा सा सुधरे, वो यही चाहेंगे। तो ग्रामीण मजदूर को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उनको मजदूरी मिले और उनके गाँव में मिले, तो ये उनका सोच है, ठीक है। अब हम बात करेंगे समृद्ध किसान। समृद्ध किसान जो भरा पूरा किसान है, जिसके पास हर सुविधा मुहैया किया हुआ है उसको, जिसके पास खुद का जमीन है, तो वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े, वो अपना बच्चे को बाहर शहर में पढ़ाना चाहेगा। और यहाँ पे आपके पुस्तक में पंजाब के समृद्ध किसान का उदाहरण लिया, वो लोग समृद्ध किसान लोग जो है वो पंजाब के लोग चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है विदेश में जाके पढ़े, तो उनके लिए विकास का लक्ष्य वो है। उसी प्रकार यहाँ और एक चीज बताया गया है, किसान जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर करता है, तो वैसे किसान क्या चाहेंगे, वैसे किसान चाहेंगे कि उन वो जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर है वो ना रहे, उनको उनके ही गांव में सिंचाई की सुविधा मिल जाए, सिंचाई की सुविधा मिल जाए, जिससे कि वो अपने ही गांव में खेती कर सके और अपना उत्पादन को बढ़ा पाए, ज्यादा पैदावार कर सके, ज्यादा पैदावार करने से अच्छा फसल भी उत्पन्न कर सके, तो वो चाहेंगे। उसी प्रकार हम देखेंगे शहर के अमीर परिवार की लड़की, वो क्या चाहेगी, शहर के अमीर परिवार की लड़की चाहती है कि उसको अभी उसके भाई की तरह आजादी मिले, उसका भाई को जो कहीं भी अपना मन मर्जी से कहीं भी जा सकता है, वो पढ़ने के लिए विदेश भी जा सकता है, तो ये सारा छूट ये अमीर लड़की भी चाहेगी कि मुझे भी अपने भाई की तरह समानता मिले, वो अधिकार चाहेगी कि मेरा भाई जैसे कहीं विदेश पढ़ने जा रहा, मैं भी विदेश जाके पढ़ूं, मैं बड़े बड़े कोर्स कॉलेज में एडमिशन ले सकूं, तो वो ये चाहेगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि विभिन्न तरह के लोग जो है विकास के लिए भिन्न भिन्न सोच रखते हैं। उसी प्रकार जो हमारे देश का विकास होता है उसके लिए लोगों का सोच भिन्न भिन्न हो सकता है। देखा है हमने कि बहुत सारे लोग हैं उनका विकास के लिए सोच भिन्न है, उसी प्रकार देश के लिए भी विकास का सोच भिन्न है। तो हम अब यहाँ देखेंगे कि एक जो विकास है तो किसी के लिए वो विकास है और किसी के लिए वो विनाश भी हो सकता है, कैसे होता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लिए हैं डैम का। डैम अर्थात बांध। बांध क्या होता है, बांध एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि नदी के पानी को बांध दिया जाता है, और इससे क्या होता है, यहाँ पर नदी मान लीजिए बह रहा है, यहाँ पे एक पानी से रोक दिया गया है, तो यहाँ पे नदी का पानी अगर रोक दिया गया है तो आसपास का जितना भी क्षेत्र है ये सब आसपास के गांव जो है ये डूब जाएगा।
तो डूब जाएगा, तो यहाँ पर ये पानी, यहाँ पर रहने वाले लोग क्या हो, उनके घर डूब जाएंगे। अब ये लोग कहाँ जाएंगे, इनका घर तो डूब गया, तो इनको क्या हो गया, नुकसान हो गया, यानी ये नुकसान में है। ठीक है, उसी जगह यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पानी रोक दिए हम लोग, और पानी रोक देने से यहाँ पर डैम बड़ा सा बन गया। डैम बड़ा बनने से ये पानी जो बढ़े यहाँ से निकलेगा डैम से, उससे बिजली बन सकता है। बिजली बनने से क्या होगा, आसपास के जितने भी बड़े बड़े गांव हैं, शहर हैं, सब जगह बिजली पहुंचेगा, सब जगह जितने भी व्यापारी हैं उन सबका और उद्योग धंधा अच्छा चलेगा। तो उद्योगपति लोगों के लिए ये फायदेमंद हो गया। अगल बगल के जितने भी गांव होंगे, गांव में नहरों की सुविधा मिलेगी, जिससे उनके लिए सिंचाई का सुविधा बढ़ेगा। तो ये सब इन लोगों के लिए लाभ हो गया। लेकिन हानि क्या है, ये आसपास के लोग के जितने हैं ये डूब जाएंगे, ये यहाँ से विस्थापित कर दिए जाएंगे। इनका खुद का यहाँ पर खेती चल रहा था वो बंद हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि यही डैम से कुछ लोग लाभ में है, आसपास के क्षेत्र के लोग लाभ में है, और यहाँ जो बगल के हैं पूरे वो डूब चुके हैं, तो इनको नुकसान हो गया है। तो हमने यहाँ पर देखा कि डैम से लाभ भी है और हानि भी है। अब उसी प्रकार हम एक और देखते हैं, विदेशी कंपनी का भारत आने से क्या लाभ हुआ और नुकसान हुआ। विदेशी कंपनी 1991 के बाद भारत आने लग गई थी, 1991 में उदारीकरण हुआ था, उसके बाद विदेशी कंपनी भारत आने लगी। जैसे कि आपने देखा होगा नए नए गाड़ियों को देखा होगा, आजकल आपने एम्बेसडर कार देखते भी नहीं होंगे, एम्बेसडर कार लगभग गायब हो चुका। क्यों गायब हुआ, क्योंकि विदेशी कंपनी आ गई। विदेशी कंपनी आने से बहुत तरह की गाड़ी देखते होंगे, वॉक्सवैगन हो गया और बहुत सारी गाड़ी सब आपको दिखेगी, जो कि पुराने एम्बेसडर को अभी पूरी तरह से गायब कर दिया। सरकारी ऑफिस में भी आपको एक से एक गाड़ी दिखेगा, नया विदेशी कंपनी का गाड़ी दिखेगा। ये क्यों संभव हुआ, क्योंकि विदेशी कंपनी आई। तो इससे लाभ क्या क्या हुआ विदेशी कंपनी से, विदेशी कंपनी का एक लाभ तो हमने देखा कि नया नया मॉडल मिला। दूसरा लाभ क्या हुआ, यहाँ की जो लोकल कंपनी है उन लोगों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी, वो लोग ज्यादा से ज्यादा काम करने लगे। ज्यादा काम करने लगे तो नया नया टेक्नोलॉजी भारत में आने लगा, अब वो लोग भी ज्यादा मेहनत करने लगे ताकि विदेशी कंपनी से प्रतिस्पर्धा कर पाए। तो उनमें कंपटीशन से बहुत ज्यादा सुधार हुआ, लोग अपना एक्टिव रहने लगे, ज्यादा काम करने लगे, तो यहाँ फायदा हुआ। लेकिन नुकसान क्या हो गया, अभी मैंने बताया कि एम्बेसडर कंपनी जो है वो डूब गई, वो उसके जितने कर्मचारी हैं उनको काम नहीं मिलने लगा, वो लोग जो खाली बैठे रहते थे उन लोगों का रहना मुश्किल हो गया, तो ये सब नुकसान हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, जो दिवाली में आप देखते होंगे चाइना लाइट, तो चाइना लाइट में क्या देखा था आपने, चाइना लाइट जब दिवाली में सब कोई घर सजा लेते हैं, इससे चाइना को तो चलिए फायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ के लोकल दिया बनाने वाले कुम्हार लोग हैं उनका घर डूब गया, अब वो लोग घर चला नहीं पाते ठीक से। तो ये क्यों हुआ, विदेशी कंपनी के यहाँ आने से हुआ। तो हमने ये देखा कि विदेशी कंपनी का कुछ लाभ भी है और नुकसान भी है। तो यही है, किसी के लिए विकास है तो किसी के लिए विनाश है, तो हमने ये देख लिया। अब हम देखेंगे कि आय और अन्य लक्ष्य, पुस्तक में आपका दिया गया है कि लोगों के लिए विकास के लिए सिर्फ आय ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हमने यहाँ पर देखा कि आय, हमने ये सोचते हैं कि लोगों का आय बढ़ गया तो वो विकास हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ आय ही बढ़ना विकास नहीं है, विकास के लिए कुछ और अन्य चीजें भी महत्वपूर्ण होती है, जैसे कि बराबरी का व्यवहार होना। समाज में आपको बराबरी का व्यवहार मिल रहा है तो विकास किया आपने। जैसे कि कुछ दबे लोग होते हैं, अगर वो समाज में बराबरी का व्यवहार उनका होने लगे तो वो समझेंगे उनका विकास हो गया है। उसी प्रकार उनको स्वतंत्रता मिलने लगे, उनको सुरक्षा मिलने लगे तो भी वो समझेंगे उनका विकास हुआ। दूसरों से आदर की इच्छा चाहते हैं लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उनको आदर के साथ देखें, तो अगर ऐसा होता है तो उनको समझा जाएगा कि उसका विकास हुआ। और नौकरी में भी देखेंगे, नौकरी में भी ऐसे लोग जिनका नियमित हैं या अनियमित है, जो मुझे अगर नौकरी करना है तो मैं ये देखूंगा ये जो मैं नौकरी करने जा रहा हूँ ये नियमित है या अनियमित है। कभी कभी ऐसा होता है कि अनियमित में ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन लोग चाहेंगे कि नियमित काम करें, ज्यादा पैसा मिल रहा है कोई बात नहीं, ये काम लंबे समय तक चले, नियमित चले, तो वो लोग इसको कम करना चाहेंगे, ना कि अनियमित काम करना चाहे। कभी मान लीजिए ज्यादा पैसा भी मिल रहा है तो उसके ओर ना जाके लोग चाहेंगे नियमित की ओर जाए। तो ये है विकास का एक और लक्ष्य।
तो यहाँ पर देखेंगे नौकरी में उपस्थित अन्य सुविधाएं। लोग अपने विकास में ये भी देखते हैं कि नौकरी जो हम कर रहे हैं उसमें क्या क्या सुविधाएं मिल रहा है, हमें सुरक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, हमें स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है कि नहीं, और क्या क्या सुविधाएं मिल रही है। तो लोग अपने लाइफ में जब विकास करना चाहते हैं तो इन सब चीजों को भी ध्यान रखते हैं। तो आज के पार्ट में हम सिर्फ इतना जानेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम राष्ट्रीय विकास के विषय में जानेंगे।